देशव्यापी लॉकडाउन के चलते पान किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक ने पान खेतों का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री से राहत दिलवाने का आश्वासन दिया। भानपुरा में पान की खेती होती है। क्षेत्र में तंबोली समाज के लगभग 550 परिवार एक सीमित क्षेत्र में और कम संसाधनों में पान की खेती कर अपना जीवन व्यापन करते हैं। इस समय देश भर में लॉकडाउन के चलते समस्त पान मंडियां बंद हैं। पान पीले होकर खराब हो रहे हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पान की फसल को शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाती है। किसानों ने विधायक को खराब हो रहे पान की फसल दिखाकर राहत राशि दिलाने की मांग की है। विधायक साहब को बताया है, उन्होंने लेटर भी दिया है, उन्होंने कहा ठीक है, जितनी भी राहत मिलेगी शासन से अपने को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पान की स्थिति तो पूरी खराब होगी, देखे दिया उनको, अब वो कब दे देंगे ये नहीं कह सकते। सभी किसान मजबूर है इस जगह। तो अभी जिस वर्तमान बनवाड़ी अपन खड़े हैं, नया है ये, इसकी जो कलम लगी थी, कलम के पत्ते जो अपन रिटर्न बेच देते हैं, सिर्फ कलम के या मान लो कम से कम 80,000 का नुकसान इसमें है। और बाकी नए पुराने बनवाड़ी रहती है उसमें दो दो तीन तीन लाख रुपये का नुकसान है हर 300 को उतरे के अंदर। क्या नाम आपका? मेरा नाम यशवंत रुद्रवाल है। विधायक धाकड़ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। समाज के अध्यक्ष यशवंत रुद्रवाल ने बताया कि अगर शासन प्रशासन द्वारा पान किसानों की सुध नहीं ली गई तो पान किसानों के परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भानपुरा से दीपक रुद्रवाल की रिपोर्ट। एक्चुअल में क्या है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि भानपुरा में अच्छी क्वालिटी का पान होता है और हमारे कुमरामत तमोली समाज के लोगों का मुख्य कृषि पान की खेती है। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ, मैं बचपन से ही इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इस खेती से भी, इन सब समाज वालों से भी। और जो मुझे मालूम जानकारी मिली कि पान की खेती में और मुख्य व्यवसाय होने के कारण, इस लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं स्वयं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मेरे यहाँ कुमरावत तमोली समाज के लोगों का मुख्य व्यवसायी परिवार चलाने का एकमात्र जो है वो पान की खेती है। पान की खेती में इस कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण न तो पान मंडियों में बेच सके और उसके कारण काफ़ी पान खराब हो गया है। और मैंने ये भी लिखा है कि अब चूँकि बचा हुआ पान के लिए भी मंडियों में बेचने की अनुमति मिल जाए तो कुछ राहत उनको मिल जाएगी। ज्ञापन इन्होंने बाद में दिया, मैंने पहले ही पत्र लिख दिया था। मुझे इनके नुकसानी का एहसास और कुछ मित्रों से बात होने के बाद में हो गया था, तो मैंने वो पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री को और फिर मैंने बात भी की। अब हालांकि अब इस कोरोना के चलते कितनी सहायता किस रूप में वो करवा सकेंगे, निश्चित रूप से मैं एक बार और बात करूंगा उनसे कि मैं किस वे में इनको सहायता की जा सकती है।